हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2019 और यह हमारी 203वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चाहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है श्रीहरिकोटा से। हाल ही में चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान को 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में लीकेज के चलते इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी। फिर इसे हाल ही में 22 जुलाई को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको इतना चंद्रयान के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस विश्वविद्यालय को देश में 10वीं रैंक मिली है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को देश में 10वीं रैंक मिली है। दोस्तों, आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, हाल ही में आउटलुक आईकेयर द्वारा देश भर की उच्च शैक्षणिक संस्थानों को लेकर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें टॉप 10 में मध्य प्रदेश की हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को लिया गया है। दोस्तों, 100 में से इसको 73 अंक दिए गए हैं। दोस्तों, अब इस विवि के बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, यह मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय है जिसे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने बनाया था और इन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इसे आजादी के पहले 1946 में विश्वविद्यालय बनाया गया था, तो इस हिसाब से यह मध्य प्रदेश की पहली विश्वविद्यालय है, तो आपको इतना इस विश्वविद्यालय के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया भर का रियल टाइम डाटा पता करने के लिए ATC टावर कहां लगाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है खजुराहो। हाल ही में खजुराहो में रियल टाइम डाटा को पता करने के लिए ATC टावर लगाया गया है। दोस्तों, अब जल्दी ही पर्यटन नगरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त यानी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम चालू किया गया है। यह खजुराहो एयर अथॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके द्वारा दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक्नोलॉजी के बारे में खजुराहो में ही पता लगाया जा सकेगा, तो ये रियल टाइम डाटा ATC टावर खजुराहो में लगाया गया है रियल टाइम डाटा पता करने के लिए। दोस्तों, आपको खजुराहो के बारे में पता ही है, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में तिरंगे का जन्मदिन मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है खरगोन। हाल ही में खरगोन में तिरंगे झंडे का जन्मोत्सव मनाया गया है। दोस्तों, यहां के स्थानीय लोगों द्वारा तिरंगे झंडे का जन्मोत्सव मनाया गया है। आपको बता दें, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को अंगीकार यानी स्वीकृत किया था। दोस्तों, 22 जुलाई को ही तिरंगे का जन्मदिन मनाया जाता है और खरगोन में हाल ही में ऐसी पहल की गई है कि तिरंगे का जन्मोत्सव मनाया जाए। यहाँ के सरकारी ऑफिसों में भी इस जन्मोत्सव को मनाने की भीड़भाड़ देखी गई है। अब दोस्तों, बात आई है खरगोन की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट खरगोन के बारे में बता दें। नवग्रह मंडल और महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध खरगोन। भारत का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में ही शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन जिले में ही होता है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में ही स्थित है। दोस्तों, नर्मदा के दो प्राचीन शहर हैं जो नर्मदा के दोनों किनारों पर स्थित हैं। इनके नाम है महेश्वर और मंडलेश्वर। रानी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर थी। तो दोस्तों, इतना आपको खरगोन जिले के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने 1 महीने में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हिमा दास। हाल ही में हिमा दास ने, वैसे तो 19 दिन में, यह उनका 5वां गोल्ड मेडल है। आपको बता दें, 1 महीने के अंदर इनने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, भारत की स्टार रही हिमा दास ने 1 महीने में 5 स्वर्ण मेडल जीते हैं।
यह पदक इन्होंने 400 मीटर दौड़ में जीते हैं। इन्होंने यह दौड़ 52.09 सेकंड में पूरी की थी, यानी जो पांचवा गोल्ड मेडल जीता है वह 400 मीटर दौड़ में 52.05 सेकंड में जीत कर की थी। दोस्तों इसी महीने उनने 200 मीटर की श्रेणी में 4 मेडल और जीते थे। अब आपको दोस्तों हिमा दास के बारे में बता दें, इनका जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागौर जिलों में हुआ था, तो आपको इतना हिमा दास के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैंड एंड हैंड नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में हैंड एंड हैंड नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों भारत और चीन के बीच हैंड एंड हैंड नामक वार्षिक युद्ध अभ्यास का आयोजन मेघालय के शिलोंग में किया जा रहा है। दोस्तों आपको इस हैंड एंड हैंड युद्ध अभ्यास के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, इसका यह 8वां संस्करण 2019 में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आतंक विरोधी ऑपरेशन संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, संयुक्त युद्ध ड्रिल, मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन पर फोकस इस युद्ध अभ्यास में किया जाएगा। दोस्तों 2007 में कुनमिंग चीन में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण भारत के कर्नाटक के बेलगाम में किया गया था। इसके बाद इसका आयोजन रोक दिया गया था। 2013 में इसका पुनः आयोजन किया जाने लगा और यह है 2019 में 8वां संस्करण है। अब दोस्तों बात आई है मेघालय की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मेघालय के बारे में बता दें। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के गवर्नर हैं तथागत रॉय और चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। तो इतना आपको मेघालय के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस एक्सपो की थीम शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की चुनौतियां, ये थीम थी 2019 में। इस एक्सपो में 25 देशों के विनिर्माताओं ने हिस्सा लिया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो है क्या, आपको इसके बारे में बता दें। यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का 5वां संस्करण है। इस एक्सपो का आयोजन नेक्स्ट जेन एलिम्बिंजस द्वारा किया गया है। इस एक्सपो का फोकस प्रमुख रूप से पुलिस पर किया गया है। इस एक्सपो में पुलिस के उपयोग के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकें और उपकरण को भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें 25 देशों की विभिन्न कंपनियों ने गोला बारूद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन आदि का प्रदर्शन किया है। तो आपको इस एक्सपो के बारे में इतना याद रखना है। अब दोस्तों बात आई है दिल्ली की, तो मैप में आपको दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। मैप में ये जगह दिल्ली को दर्शाती है। दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों 1911 में दिल्ली को मध्य प्रदेश की, माफ कीजिएगा दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनाई गई थी। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी ने किस बोर्ड को निलंबित किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे बोर्ड को आईसीसी के द्वारा निलंबित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हाल ही में जिम्बाब्वे क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित किया है। आईसीसी की जो रूल्स हैं उसके अनुसार क्रिकेट किसी सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के अनुच्छेद 2.4 C और D का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इसके तहत जिम्बाब्वे क्रिकेट स्वतंत्र चुनाव करवाने में असफल रहा है। दोस्तों निलंबित किए जाने के बाद जिम्बाब्वे में अब आईसीसी से फंडिंग प्राप्त नहीं होगी और अब आईसीसी की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में जिम्बाब्वे हिस्सा नहीं ले सकेगा। तो आपको इतना जिम्बाब्वे के बारे में याद रखना है। अब दोस्तों बात आई है आईसीसी की, तो आपको इसके बारे में बता दें। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। दोस्तों आपको बता दें आईसीसी के जो सीईओ हैं वो हैं मनु साहनी, जो भारत की हैं, और कुल 105 सदस्य देश हैं आईसीसी में, जिनमें से केवल 12 देशी पूर्णकालिक सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं। इनके अलावा 93 देश एसोसिएटेड सदस्य हैं।
तो इतना आपको आईसीसी के बारे में याद रखना है। नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहां पर मंडेला है तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के जो नेल्सन मंडेला ने योगदान दिया है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस पर मानवीय अधिकारों की सुरक्षा, लैंगिक समानता, निर्धनता उन्मूलन और सामाजिक न्याय के बारे में लोगों को बताया जाता है या उन्हें जागरूक किया जाता है। तो इतना आपको इस दिवस के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मध्य प्रदेश कुश्ती से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ये चारों हैं। गामा विजय सिंह, पप्पू यादव और रामचंद्र, ये सभी मध्य प्रदेश में कुश्ती से जुड़े खिलाड़ी हैं। तो आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अकेडमी जबलपुर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ये तीनों है, यानी साइकिलिंग अकेडमी, वेट लिफ्टिंग अकेडमी और तीरंदाजी अकेडमी। ये तीनों अकेडमी जबलपुर में स्थित हैं। अब दोस्तों बात आई है जबलपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जबलपुर के बारे में बता दें। दोस्तों जबलपुर को त्रिपुरी महाकौशल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जबलपुर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक बड़ा जिला है जबलपुर। दोस्तों भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से शुरू हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ये सभी जबलपुर में स्थित हैं। मदन महल, संग्राम सागर, रानी दुर्गावती की समाधि, भेड़ाघाट, रूपनाथ अभिलेख और धुआंधार जलप्रपात, ये सभी पर्यटन स्थल हैं जबलपुर के। दोस्तों आपको बता दें ग्रामीण विकास संस्थान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1947 में जबलपुर में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन भी जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जबलपुर में ही स्थित है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही बनाया गया है और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो खमरिया में 1943-44 में स्थापित की गई थी। तो इतना आपको जबलपुर की जेल के बारे में याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ये चारों हैं, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और प्रभास जोशी अवार्ड, ये सभी मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित अवार्ड हैं। दोस्तों एक और अवार्ड बचता है, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित है। तो आपको इन पांचों के नाम याद रखने हैं, ये नाम एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, प्रभास जोशी अवार्ड और मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सभी खेल से संबंधित है मध्य प्रदेश में। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, विधिवत पंचायती राज प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधिवत पंचायती राज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था। दोस्तों आप प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं विधिवत पंचायती राज के बारे में, उसको आप जरूर देखें। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने किस जिले के सफाई के मॉडल को वेस्ट बताया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर के बारे में जान सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।